आपको क्वेश्चन से आता हूँ। संशय को निकाल सकते हैं। उसमें बाबा ने उनके दादा लेखराज का 82वां जन्म का बताया है। 82वां जन्म मुरली में बताया है या क्लेरिफिकेशन में बताया है? नहीं, क्लेरिफिकेशन में नहीं, मुरली में बाबा ने स्वयं पढ़ा है। क्लेरिफिकेशन में फिर दिया है कि 83rd बर्थ सूक्ष्म जन्म प्रवेश करके और 84वां जन्म कृष्ण के रूप में, ऐसा क्लेरिफिकेशन में बाबा ने। और क्लेरिफिकेशन में बाबा ने बताया 84वां जन्म दादा कृष्ण के रूप में, मतलब 1918 के बाद का है, कहना चाहिए कि जो 1918 के बाद उनका पहला जन्म गिना जाएगा या 84वां जन्म गिना जाएगा? उससे पहले 2036 में ये तो सतयुग शुरू हो जाता है ना। राधा कृष्ण की आत्माओं के लिए सतयुग 2018 में नहीं शुरू होगा? फिर तो उसमें कैसे बोला है दादा लेखराज के लिए? अरे किस में बोला? मुरली में बोला या मुरली के क्लेरिफिकेशन में बोला? मुरली में बोला है? मुरली में। और कौन से सन में आपने मुरली पढ़ी है? वो मुरली कौन से सन की है? 67 की, 67 की मुरली में 82वां जन्म है। अगर उनका 82वां जन्म है तो मुरली में कई जगह आया है कि ये 84 जन्म लेते हैं कृष्ण जी, तो दो दो बातें भगवान बोलता है? यही तो भगवान तो नहीं बोल सकता है। आपने आँखों का कुछ भेद हुआ होगा। चार सौ तैतीस क्या कोई BCD 433 नंबर की सुनी है ऐसी जिसमें कृष्ण के 82 जन्म बताए गए हो? नहीं, दादा लेखराज के बयासीवें जन्म बोला। अरे BCD में कहीं 82 जन्म बोले गए? बाबा ने पढ़ा है उसमें। बाबा ने पढ़ा, हमने नहीं पढ़ा। ये अपने को इस बात का नहीं संशय। ब्रह्मा की एक भी मुख से निकली हुई वाणी महावाक्य नहीं है जो अपने महावाक्यों का खंडन करती हो। अगर खंडन करती हुई दिखाई पड़ती है तो जरूर हमने उसके अर्थ को नहीं समझा है। जैसे मुरली में आता है ये लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, और दूसरी मुरली में आया ये लक्ष्मी नारायण तो समझदार है, तब तो विश्व के मालिक है। तो उसके गुह्यार्थ को नहीं समझा है तो पढ़ने वाले को ऐसा लगता है भगवान कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। नहीं, तो नहीं पढ़ा है। जब आपने नहीं पढ़ा तो सुनी सुनाई बातों से विश्वास क्यों किया? मामा की बात पर भी विश्वास नहीं किया, किसकी बात पर किया? अरे आपने पढ़ा नहीं, नहीं पढ़ा। और यहाँ इतने सुनने वाले बैठे हुए हैं जो रोज सुनते हैं, उनमें से कोई नहीं कहता है कि ब्रह्मा के 82 जन्म बोले गए हैं? कोई कोट लगता है और एक आदमी अपनी बात कहता है तो कहा जाता है विटनेस बताओ, और विटनेस कोई नहीं मिलता है तो मुकदमा खारिज कर दिया जाता है। इसलिए आप वो वाणी और वो BCD पेश करिए अगली सभा में। और हाँ, इतना बोला है कि कोई के 50 जन्म भी कम हो जाए, 50 वर्ष भी कम हो जाते हैं, बाकी सबसे जास्ती जन्म
किस ब्रह्मा के होते हैं? किस ब्रह्मा के? सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्र में ये आता है, तो 82 जन्म कैसे लेगा? आश्चर्य नहीं, ये हमारी कोई पढ़ने की गलती है। आपने पढ़ी भी नहीं है तो दूसरों से सुनी है ना? दूसरों से क्या, बाबा से ही सुनी है। अरे बाबा ने ही क्लेरिफिकेशन दिया है, गलत सुना है। ये परमात्मा के उसमें तो संशय नहीं है, लेकिन बस ये ऐसी कोई वाणी नहीं है जिसमें ये बताया हो कि कृष्ण की आत्मा 82 जन्म लेती है। 50 वर्ष कम होते हैं उनके षष्ठ रूपी चक्र में, बाकी वो तो षष्ठ रूपी वृक्ष का पहला पत्ता है। वो सतयुग में 8 जन्म लेता है और त्रेता में 13 जन्म लेता है। 13 और 8 21 जन्म, और द्वापर कलयुग में मिलाकर 63 जन्म लेता है, टोटल 84 जन्म लेती है वो आत्मा। और वहाँ याद करना है जहाँ अंत में तुमको जाना है। अंत में हमें कहाँ जाना है? अरे बाप के घर जाना है या नहीं जाना है? तो बाप का घर कहाँ है? बाप का घर परम धाम में, लेकिन बाप तो दो है, एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप और एक साकार बाप। दो भेद के बाप हैं। तो अंत में हमको वहां जाना है जो साकार में परम धाम होगा। तुम बच्चे परम धाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो कौन सा स्थान होगा जहां परम धाम उतर आएगा? जो भी आत्माएं होंगी, मनुष्य आत्माएं वहां, वो सब आत्मिक स्थिति में होंगी, निसंकल्पी स्टेज में होंगी। वो संपन्न रूप है, इसलिए बोला मुझे वहां याद करना है जहां अंत में जाना है। है मधुबन में याद करना है? क्या बोला? कहां याद करना है? मधुबन में याद करना है। और परम धाम अभी नहीं है माउंट आबू में, अभी तो संकल्पों का घमाड़ा मचा हुआ है। परम धाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे। भविष्य की बात बताई है, कब खुलेंगे? जब अपनी अपनी बुद्धि खुलेगी, तीसरा नेत्र खुलेगा, तो 84 जन्म खुलेंगे। बुद्धि का ताला बंद है, माया ने गोल्ड रेस का ताला लगाया हुआ है, तो 84 जन्म कैसे खुलेंगे? 84 जन्मों में से जो मुख्य जन्म है, पहला जन्म, वो भी नहीं खुलेगा।
क्योंकि गॉडरेज का ताला लग जाता है। माया का ताला कहना चाहिए, गॉडरेज का ताला क्यों कहा जाता है? गॉड की रेजेज ताला खोलने वाली होती है या ताला बंद करने वाली होती है? रेजेज माने किरणें है, खोलने वाली होती है, फिर ताला बंद क्यों हो जाता है गॉडरेज का? कोई कारण होगा? और कारण बुद्धि में नहीं आता है? हाँ, लौकिक दुनिया में पाप करते हैं तो एक गुना जन्म पाप चढ़ता है, और इस अलौकिक जन्म में पाप करते हैं श्रीमत को जान करके, मान करके, बाप को पहचान करके तो 100 गुना बोझ चढ़ता है। तो गॉडरेज का ताला लगा या नहीं लगा? ताला लग गया बुद्धि को तो बुद्धि जामड़ी हो जाती है, मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं। तो अनेक जन्मों की गुह्यता कैसे समझ में आवेगी? और हाँ जी, हाँ एक होता है जानबूझ करके कर्म उल्टा हो जाता है, और एक होता है 63 जन्मों का स्वभाव संस्कार ऐसा पड़ा हुआ है जो न चाहते हुए भी कर्म उल्टा हो जाता है, और एक ऐसा होता है कि जानते भी हैं, मानते भी हैं संसार के सामने, प्रतिज्ञा भी कर लेते हैं, बड़ी सभा में प्रतिज्ञाएं करते हैं, पर जानबूझ कर अवहेलना करते हैं। बाप की सामने ही अवहेलना करते हैं, निंदा करते हैं, मुख से निंदा करते हैं, प्रैक्टिकल कर्मों में निंदा करते हैं, वाइब्रेशन में भी निंदा के वाइब्रेशन फेंकते रहते हैं। तो ऐसी निंदा कराने वाले सदगुरु निंदक ठौर न पावे। वो तो भक्ति मार्ग में कहते हैं, प्रवचन करने वाले सन्यासी गुरु लोग, लेकिन उनसे पूछा जाए तुम्हारे पास कौन सी ठौर है तो अपना मठ पंत दिखाई देंगे। जैसे आजकल ब्रह्मा कुमारी आश्रम में कोई पूछता है कौन सा ठौर, तो ईंटों का सुखधाम और शांति धाम ले जा करके दिखाई देते हैं। भक्ति मार्ग की शूटिंग तो अभी होती है, लेकिन वास्तव में है जो सच्चा सुखधाम इस सृष्टि पर स्थापन होना है, सतयुग आने वाला है, उसकी बात है। और शांति धाम की बात है, जो बाप का घर संसार के बीच में प्रत्यक्ष होगा, सुखधाम
और शांति धाम के गेट साथ साथ खुलेंगे। ये मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की बात है कि जिन्होंने जान करके मान करके भी और कुछ समय चल करके भी बाद में बाप की निंदा कराई वो ठौर नहीं पावेंगे। उनको विनाश के टाइम पर विनाशी धर्मखंडों में सेवा करनी पड़ेगी। भटकना पड़ेगा। और दादा लेख रहा है और जगदम्बा में प्रवेश नहीं करते हैं। जो महाकाली का चित्र है भक्ति मार्ग में दिखाया जाता है उसमें मस्तक में महाकाली के चंद्रमा नहीं दिखाया जाता है, तो किसकी यादगार है? है? सतो प्रधान स्टेज में भी प्यार भरा पाठ बजाएंगे कि तमो प्रधान स्टेज में भी प्यार भरा पाठ बजाएंगे? है? दे अभिमान चूर चूर होगा तो हड्डी हड्डी अपने आप टूट जाएगी। और शूटिंग का काल चल रहा है, रिहर्सल का कार्य चल रहा है, रिहर्सल का कार्य काल चल रहा है, टाइम चल रहा है, तो रामकृष्ण की आत्माओं की शूटिंग नहीं होती है क्या? है? वो भी पार्टधारी है, वो भी तमो प्रधान समय में तमो प्रधान पार्ट बजाने के लिए विवश है, और सतो प्रधान समय में सतो प्रधान शूटिंग में सतो प्रधान पार्ट बजाने के लिए विवश है। बाबा बाबा ने बोला कि मैं स्त्री सोलह में प्रवेश नहीं करता हूँ, फिर आदि में तो 42 से 47 तक माता में प्रवेश करके बार बार दिखाते थे। बाप प्रत्यक्ष हुआ, बाप बाप के रूप में प्रत्यक्ष हुआ संसार में, नहीं हुआ तो फायदा क्या हुआ? ये कहा मैं कन्या के तन में प्रवेश नहीं करता हूँ, पतित तन में प्रवेश करता हूँ, लेकिन मुकर्रर रथ एक ही है और वो पुरुष तन होता है, स्त्री चोला नहीं होता है मुकर्रर। और बाबा जो सिखों के गुरु गुरु नानक देव जी मेहता आ गया है तो उसने ऊपर को भी इशारा किया है बाबा नानक ने ते जी, क्यों किया इस बात का हम पता लगे। कोई भी धर्म पिता है अपने को भगवान कहते थे क्या? सिर्फ एक शंकराचार्य को छोड़ के कोई भी धर्म पिताओं ने अपने को भगवान घोषित नहीं किया, तो गुरु नानक ने भी ऊपर की ओर इशारा किया कि मैं सदगुरु नहीं हूं, ऊपर वाला सदगुरु है जो सच्चे गुरु का पार्ट बजाता है। गुरु वो जो सदगति करे, पहले बुद्धि की सदगति करे, फिर शरीर की भी सदगति करे। आत्मा रूपी नैया
आत्मा रूपी बिठैया और शरीर रूपी नैया, दोनों का खिवैया एक बाप है। ऐसा और कोई भी धर्म पिता बाप ऐसा नहीं होता जो आत्मा की भी सदगति करे और शरीर की भी सदगति करे। ये एक ही बाप है जो सृष्टि पर आता है, तो आत्मा और नैया दोनों की सदगति करने का ठेका लेता है। अब जो पढ़ाई पढ़े बाबा, हम जैसे 2 किलोमीटर दूर रहते हैं, हाँ जी, गणेश मंदिर, ऐसे कोई भी मतलब छली आ जाए तो उन्हें परखने की शक्ति देना। याद एक ऐसी प्रक्रिया है, उसमें हर प्रकार की शक्तियां स्वतः ही आती है, मांगने की बात नहीं रहती। और मांगना करना कौन से मार्ग में होता है? भक्ति मार्ग में मांगते रहते हैं। गुरु जी से मांगेंगे, भगवान से मांगेंगे, देवताओं से मांगेंगे, और ज्ञान मार्ग में मांगने की बात नहीं है, तरीका बताया हुआ है। और हाँ जी, सुनने की कोई होती बात हैं? बुझाएं जो होती हैं जगदम्बा की, हाँ हाँ, उनसे ही सब मनोकामनाएं। तो इनमें सुपनखा और पुतना और इनमें क्या अंतर? जगदम्बा सिंगल देवी है या युगल रूप में पूजी जाती है? जगदम्बा जगत पिता के साथ पूजी जाती है? जगदम्बा की सिंगल पूजा होती है या जगत पिता साथ में दिखाया जाता है? सिंगल पूजा होती है। और सिंगल पूजा रावण करता है, राम को अलग जुदा कर देता है। सिंगल को मानने वाले दूसरे धर्म हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, धर्म पिताओं ने पुरुषों को महत्व दिया है। कन्याओं माताओं को साथ में महत्व नहीं दिया, इसलिए भारतवर्ष में राजा रानी का राज्य होता था। विदेशी धर्म जब से आए तब से सिंगल उपासना शुरू हुई है, सिंगल देवता की पूजा, सिंगल देवी की पूजा। इसलिए मुरली में बोला है, देवी के पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय। क्या बोला? क्यों बोला? हाँ, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के उपासक नहीं है। बाप भगवान जब आते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं या निवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं? प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवताओं की स्थापना करते हैं। इसलिए जगदम्बा है सारे जगत की माँ। सारे जगत में सिर्फ देवताएं हैं, मनुष्य हैं या राक्षस भी हैं? है, राक्षसों की भी अम्बा है। और रावण ने किसकी पूजा की थी? है, देवी की पूजा की थी। देवियों में भी 2 प्रकार की देवियां हैं, एक मांसाहारी रूप में दिखाई जाती है
और एक शाकाहारी रूप में दिखाई जाती है। मांसाहारी रूप में जो दिखाई जाती है उसके लिए बोला है कि सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती है, और जो शाकाहारी है वैष्णवी वो सब मनोकामनाएं पूर्ण नहीं करती है। लक्ष्मी नारायण का कॉम्बिनेशन ही विष्णु देवता है, राम सीता का कॉम्बिनेशन ही विष्णु देवता है। इसलिए राम कृष्ण का जब जन्म दिखाते हैं तो विष्णु को भी दिखाते हैं, विष्णु अवतार कहा जाता है। तो जगदम्बा लक्ष्य को प्राप्त नहीं करती, नारी से लक्ष्मी नहीं बनती, क्योंकि मोह रह जाता है बच्चों में, चाहे राक्षसी बच्चा है उसकी भी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देगी। अच्छी कामना हो तो और बुरी कामना हो तो, और लक्ष्मी सिर्फ ज्ञान रतन देती है और मनोकामना की पूर्ति नहीं करती, और ज्ञान रतन भी वो जो भगवान बाप से मिलती है। भगवान बाप की प्रॉपर्टी क्या है, भगवान क्या लाता है, ज्ञान रतन ही लाता है और तो कुछ नहीं लाता। तो जो भगवान की चीज है वो भगवान की दी हुई चीज है, दूसरों को बांटना वो बड़ी बात है या दुनियावी इच्छाओं की पूर्ति करना बड़ी बात है। इसलिए लक्ष्मी के लिए कहा जाता है नारी से लक्ष्मी, जगदम्बा के लिए नहीं कहा जाता नारी से लक्ष्मी बनती है। वो वर्ल्ड मदर है, वर्ल्ड में इस्लामी भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और वर्ल्ड में देवात्माएं भी रही पड़ी है, लेकिन वो भारत माता नहीं है। भारत माता के लिए गाया हुआ है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। भारत की नदियों में स्नान करते हैं, विदेशी नदियों में स्नान करते हैं क्या, क्यों नहीं करते? जड़ नदियों की बात है या ज्ञान जल बहाने वाली नदियों की बात है? ज्ञान जल से भरी पूरी नदियों की बात है। विदेशी नदियां व्यभिचार फैलाती हैं, और भारत में भी उत्तर भारत की नदियां पतित पावनी मानी जाती है। इसलिए भारत माता शिव शक्ति अवतार कहा जाता है। जो माताएं नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती हैं, माने व्यभिचार का दरवाजा खोल करके बैठ जाती हैं, वो नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकती। महाकाली बन सकती है, महागौरी नहीं बन सकती, पार्वती नहीं बन सकती, माना पार लगाने वाली नहीं बन सकती, डुबोने वाली बन सकती है। संसार के सारे ही राक्षसी मनुष्यों को डुबो देंगी। इसलिए महाकाली का पाठ नुदा हुआ है जगदम्बा का।
संहारकारी देवता नहीं, संहारकारी शक्तियां गायी हुई है, लेकिन वो लेफ्ट हैंड है विष्णु का, राइटियस काम नहीं है। विनाश इम्प्योरिटी से होता है, अपवित्रता से होता है विनाश, और पवित्रता से होती है स्थापना। दुनिया में जाके संशय चौड़ा हो जाएगा अगर अंदर अंश मात्र भी रह गया तो। हाँ तारीख खूब याद करें। तो उसमें पेज नंबर 2 में 85 बर्थ का बोला, पेज नंबर भी याद है। उसमें 85 बर्थ का बोला हुआ है, 85 जन्म का उन्होंने की कॉपी भी भेजी थी। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है या नहीं है? तो जो आत्माएं कंचन काया बनावेंगी, डायरेक्ट नर से नारायण बनेंगी, वो पहले श्याम चोला धारण करती है, बाद में सुंदर चोला धारण करती है। तो श्याम चोला कौन सा जन्म हुआ? 84 जन्म। और जो सुंदर चोला है वो कौन सा जन्म हुआ? ये तो अपन ने भी उसको समझ लिया है, लेकिन ये कि फंडामेंटल वो तो टूट जाता है ना। वो सबके लिए थोड़ा ही है, मैक्सिमम 21 सिर्फ 4.5 लाख आत्माओं की बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आत्माएं हैं जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाली है। 16 कला संपूर्ण बच्चों को जन्म देंगी। इसमें आगे की लाइन में ये भी उसका भाव धर्म स्थापना के कार्य में धक्के खाएंगे तो दुख भी भासेगा। और माया शरीर छोड़ेगी, हाथ धो के माया के पीछे पड़ गए। माया तो बाप की बेटी है, है? बाप की बेटी के लिए कहना माया शरीर छोड़ेगी तो गाली देना हो गया, मर जाए। हाईलाइट करने वाले कौन है? देहधारी है, देहधारी या भगवान है? भक्ति मार्ग में जैसे माया का द्वापर और कलयुग 8000 वर्ष से जो माया का राज्य चलता है, तो माया का राज्य नहीं चलता। तो भक्ति मार्ग में ऐसा बोला है कि माया सत्य और जगत मिथ्या बोला है। तो कौन से युगों में सत्य है माया? द्वापर कलयुग में माया सत्य है। और जब आप त्रेता युगी और द्वापर युगी सीढ़ी चढ़ने लगेंगे तो माया झूठ है। सत्य बोलो, माया सत्य, जगत मिथ्या। हाँ नहीं, माया शरीर छोड़े के माता बोल रही है, तो तुरंत आड़ वसले हाथ और मूर्त में प्रवेश किया। हाँ जी, माता ने प्रश्न पूछा ना, माया शरीर छोड़े के तुरंत आड़ वसले में जो भी ग्रुप है उसमें प्रवेश करेगी। क्यों नहीं प्रवेश करेगी? माया पहले पहले सरेंडर होती है और आत्माओं को सरेंडर नहीं होने देती है, इसलिए तो सर्वशक्तिवान का टाइटल लेती है, और कोई को टाइटल नहीं लेने देती। या तो जो भगवान का रूप है वो सर्वशक्तिवान है, या तो फिर माया सर्वशक्तिवान है।
और बाबा मन बुद्धि से होती है, शरीर से नहीं। क्या माया शरीर है ही नहीं होने के लिए। जो और मनुष्य आत्मा है वो मन बुद्धि से सरेंडर नहीं हो पाती है। माया के पास शरीर नहीं होगा तभी तो मन बुद्धि से होती है, है? शरीर नहीं होता है तभी तो मन बुद्धि से होती है। मन बुद्धि बिना शरीर के होता ही नहीं। तो आत्मा को चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे स्थूल शरीर हो, मन होगा तो शरीर जरूर होगा। कब पहुंचेगी? ठीक है, तब तक दुनिया में धक्के खाएगी। स्थूल विनाश शुरुआत होगा। विनाश तो दो तरह का गाया हुआ है, एक है महाभारी महाभारत युद्ध, खून खार नदियां बहती हैं, भयंकर युद्ध है, और एक है एटम बमों का युद्ध जो लास्ट युद्ध है। 5-7 रोज में सारी दुनिया खलास हो जाएगी। ज्यादा दुखदाई कौन से हैं? हाँ जी, एक आदमी बोलो। क्या पता तपस्या करती जाए, तप करे राज, राज करे नरका, तपस्या करे फिर अहंकार चढ़े फिर राज करे फिर नीचे गिरे फिर तपस्या करे, ऐसे भी तो कुछ आत्माओं को चलेगा। राज समय मतलब तो सत्यु का स्वरूप होगी, नीचे ऊपर हो गए तो तपस्या। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए क्या क्या बोला। भूकंप से ज्यादा विनाश होगा। भूकंप से, हाँ, जब एटम बम फटते हैं तो पृथ्वी डोल जाती है, दुनिया का वायुमंडल गर्म हो जाता है, बड़े बड़े भूकंप आते हैं, और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े छोटे बड़े शहर हैं उनमें जो कई मंजिला इमारतें हैं वो सब टूट जाती हैं, इमारतों में ही मनुष्य रहते हैं, धक्के से सारा विनाश हो जाता है। विजयमाला है वो काय पे विजयमाला नाम पड़ा है, है? विजयमाला का नाम विजयमाला क्यों पड़ा?
पाने के कारण। तो जिसने विजय पाली विकारों के ऊपर, वो दूसरों के धर्म में कैसे गिरा दिया? उनको कहेंगे चंद्रवंशी। जब जुड़ेंगे तब जब विजय पाए लेंगे। जो विजय को पाए हुए नहीं है वो विजय माला में ऐड नहीं किए जाएंगे। आएगा झुंड, लेकिन वो सब एक जैसा होगा। जो झुंड है वो यूनिटी का सूचक है या डिसयूनिटी का सूचक है? और जहाँ यूनिटी है, संगठन है, वहाँ प्योरिटी है या नहीं है? जहाँ प्योरिटी है वहाँ दूसरे धर्मों का क्या सवाल? तो रुद्रमाला में दूसरे धर्मों के बीज है। उनकी दुनिया अलग होती है, नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का नजारा देते हैं। स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, वो दुनिया ही अलग हो जाएगी। इसलिए बोला ये पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। तो वहां भिखारी भी होंगे क्या? हाँ जी, पुरुषार्थ करना पड़ता है ना हम लोगों को। पुरुषार्थ उनको करना पड़ता है जो भिखारी होते, जिनके दिल के अंदर खोट होती है, नियत खराब होती है। जिनका दिल सच्चा है उनको तो पहले ही लक्ष्य मिला हुआ है, तुम पावक में करो निवासा, तब लगी करो निशाचरनासा। वो तो पहले से ही योगाग्नि में प्रवेश किए हुए हैं। बड़ी बड़ी राक्षसियां उनको पहले ही बहुत दुख दे रही है, लेकिन वो अपनी तपस्या में लीन रहती है। पवित्र बनेंगे तो मिलेंगे, विकारों पर विजय पाएंगे तो मिलेंगे। वो तो ठीक है, वाइब्रेशन आत्मा के होंगे या शरीर के होंगे? तो मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। ग्लानी करेंगे तो बाहर रहेंगे। सदगुरु निंदक थौर न पावे, और ग्लानी नहीं की होगी, गायन ही गायन किया होगा, तो बाहर की दुनिया में बाप क्यों धक्के खिलाएगा? एक बात का जवाब ले लो, इक्कीस जन्मों के आधार पर 63 जन्मों की भी प्राप्ति हो जाती है। 21 जन्म संपूर्ण सुख शांति रहेगी, पवित्रता रहेगी, लेकिन जो पवित्रता रहेगी, सुख शांति रहेगी, उसका आधार है वर्तमान संगम युग में जो पुरुषार्थ किया है। कोई ने तीव्र पुरुषार्थ किया है, कोई ने मध्यम किया है, कोई ने निष्कष्ट पुरुषार्थ किया है। तो जिनके तीव्र जन्म की तीव्रता के संस्कार होंगे पुरुषार्थ के,
वो वहाँ 63 जन्म में भी जहाँ भी जन्म लेंगे तीव्र पुरुषार्थ करेंगे और प्राप्ति कर लेंगे। जैसे बाबर के लिए गायन है, साधारण सिपाही था और तीव्र पुरुषार्थ करके क्या बन गया, भारत का सम्राट बन गया। जिस घर से एडवांस में जो भी चलते हैं उनका पूरा परिवार चलेगा, पूरा पूरा परिवार चलेगा बराबर चलेगा। ऐसे बाबा जैसे अभी ज्ञान में नहीं निकले, फिर ज्ञान में ही नहीं निकले अभी बच्चे, तो फिर कैसे। जब बाप प्रत्यक्ष होगा, बाप की संसार में प्रत्यक्षता होगी, अखबारों में प्रत्यक्ष होगा, रेडियो में प्रत्यक्ष होगा, टीवी में प्रत्यक्ष होगा, तो जिनको ये वरदान मिला है कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलना है, जो एडवांस वाले हैं, तो एडवांस के परिवार वाले जानते नहीं है कि ये भगवान साकार में किसको मानते हैं। जानते हैं, जब जानते हैं और संसार में प्रत्यक्षता हो रही है तो मानने के लिए मजबूर होंगे या नहीं होंगे, हैं? मजबूर हो जाएंगे। लेकिन मजबूर होकर जो पुरुषार्थ किया जाता है लास्ट समय में, और एक स्वतंत्र होकर के अपनी बुद्धि से समझ के पुरुषार्थ किया जाता है, तो पुष्करणी ब्राह्मण कौन कहे जाएंगे और सारस्वत ब्राह्मण कौन कहे जाएंगे। धक्का लगा समय का और पुष्करणी ब्राह्मण बन जाएंगे, पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कर भला हो भला वाणी में कहा है, ते किसका भला करने के लिए कहा गया है? पहले तो अपना भला, अपना भला हो जाएगा तो सारी दुनिया का भला हो जाएगा। हम नरसे नारायण बन जाए तो सारी दुनिया का कल्याण अपने आप होने लगेगा, क्योंकि जो आत्मा संपन्न बनेगी तो संपन्नता की ये निशानी होगी, उसके नजदीक जो भी आवेगा वो ही चेंज हो जाएगा। इसको पारसनाथ का मिसाल दिया जाता है, पारस पत्थर। ऐसा कोई होता नहीं है पत्थर जो लोहे से स्पर्श करा दिया जाए तो सोना बन जाए। सोना माने सच्चाई, लोहा माने झूठा, पत्थर पत्थर बुद्धि। और भला और बुरा, क्या भला है क्या बुरा है, क्या सच्चा है क्या झूठा है, इसकी पहचान सबको नहीं होती है। अगर सच्चे झूठे की सबको पहचान हो जाए तो कोर्ट कचहरियों में बड़े बड़े जज बैठाने की जरूरत ना पड़े। और आज की दुनिया में तो कोर्ट कचहरी भी झूठे हो गए। भगवान ही आकर के सच्चा बताता है, झूठा बताता है, भला बताता है बुरा बताता है, कौन सा कर्म भला है और कौन सा कर्म बुरा है, और वही कर्म कब भला हो जाता है और वही कर्म कब बुरा हो जाता है। कर्म एक ही है, कभी बुरा हो जाता है कभी भला हो जाता है।
एक करता है तो भला होता है और वही कर्म दूसरा करता है तो बुरा हो जाता है। ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति गीता का भगवान आकर के सिखाता है। सुबह से शाम तक गधा काम करता है, भला करता है बुरा करता है, भला करता है। रात को जाके गाय भैंस की बची हुई घास खा लेता है, सो जाता है। तो सबसे बड़ा कर्मयोगी गधा होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आजकल लिखते भी हैं कर्म ही पूजा है, उससे पहले एक शब्द लगाए देना चाहिए, गधे का कर्म ही पूजा है, तो चलेगा? तो चलेगा नहीं चलेगा? माना गधा कर्म तो करता है लेकिन किसके डंडे के नीचे कर्म करता है, है? कुमार के डंडे के नीचे कर्म करता है। आज के बड़े बड़े ऑफिसर भी ये नारा लगाते हैं, कर्म ही पूजा है, बाकी ज्ञान व्यान हमें नहीं चाहिए। तो उनसे पूछा जाए, तुम कर्म तो कर रहे हो लेकिन किसके डंडे के नीचे कर रहे हो? जो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट है, भ्रष्टाचारी नेताएं हैं, उनके डंडे के नीचे तुम कर्म कर रहे हो।